नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड अंतर्गत दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। इस अवसर पर हथरी रजनी का 13वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान 14 पाउंड का केक भी काटा गया, जिसमें स्कूली बच्चे, वनरक्षी और पदाधिकारी के साथ ग्रामीण भी शामिल हुए। दलमा पश्चिमी रेंजर दिनेश चंद्रा ने बताया कि यह खुशी की बात है, इससे लोगों में एक अच्छा संदेश जाता है। जब हम अपने घर के बच्चों का जन्मदिन मना सकते हैं तो वन्य प्राणियों का क्यों नहीं। रजनी के जन्मदिन पर लोगों को जंगली जानवरों के प्रति जागरूक करना भी एक मुख्य उद्देश्य है। रजनी के जन्मदिन को लेकर वन विभाग यह संदेश देना चाहता है कि जानवर भी पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है और उनका भी अपना महत्व है। इस संदेश को ध्यान में रखकर जन्मदिन मनाया जाता है। वन विभाग की कोशिश है कि इससे दूसरे भी सीख लें और जानवरों की सुरक्षा और सुरक्षा के संदेश देने के लिए इसे आत्मसात करें। साल 2009 में झुंड से बिछड़कर गड्ढे में फंसे मिली थी रजनी। झुंड में रहने वाली मादा हाथी रजनी हाथियों के झुंड से बिछड़कर चांडिल के पास एक गड्ढे में फंसी मिली थी। घायल अवस्था में उसे निकालकर टाटा जू लाया गया था, जहां काफी दिनों तक टाटा जू के डॉक्टर एम पालित की देखरेख में रजनी का इलाज हुआ। जब रजनी ठीक हो गई तो उसे दलमा वन्य प्राणी आश्रय माकुला कोचा लाया गया। दलमा के माकुला कोचा चेक नाका में बाकायदा इस हथनी का नामकरण रजनी के रूप में किया गया। उसी समय से रजनी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। रजनी का जन्मदिन मनाने के लिए दलमा वन आश्रयणी के कर्मचारियों के साथ ही मकुला कोचा के ग्रामीण भी शामिल थे। आज बड़ा खुशी का दिन है कि तेरे हमें जन्मदिन पर रजनी को हम लोग बर्थडे का मिल रहा और मना रहे हैं। और यहाँ का जितने भी बच्चे हैं, स्कूली बच्चे प्लस हमारे आए हुए आगंतुक लोग, टूरिस्ट लोग हैं, ये सबका अभिनंदन है। और एक बड़ी खुशी की बात है कि आज इतने बृहद पैमाने पर वर्षा ऋतु में भी रजनी का प्रोग्राम हम लोग करा पाए, क्योंकि बर्थडे बच्चे लोग को तो सब कोई मनाता है। जानवरों का हम लोग मना करके ये संदेश देते हैं, ये भी हमारे जैसा है, इनको भी जीने का अधिकार है, इनको भी रहने का अधिकार है।